हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो स्लोथ बियर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये हमारा एनवायरनमेंट जो यूनिट 9 है, ठीक है, यूनिट 9 है, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं स्लोथ बियर क्या होता है। अब स्लोथ बियर की जब बात आती है, स्लोथ बियर को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि हमारा हनी बियर होता है, ठीक है, हम हनी बियर के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये क्या कंज्यूम करता है, क्या खाता है, ये जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आंट होते हैं, वो सारी चीज़ें ये कंज्यूम करता है। बट इसको हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है। शेड्यूल 1 में इसको क्यों रखा गया, क्योंकि ये हाई पेनल्टी के ऊपर है। अगर इसको कोई पोचिंग करता हुआ मिलता है, इनको मारता हुआ मिलता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस पर्सन को क्या नाम है, पनिशमेंट मिल सकते हैं और हैवी पेनल्टी उसके लिए लग सकती है। और इसका एक और प्रोटेक्शनल स्टेटस है जो आपको याद करना है, क्योंकि हमारे प्रोटेक्शनल स्टेटस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। सेकेंड प्रोटेक्शनल स्टेटस है IUCN। IUCN के अंदर भी इसको रेड लिस्ट के अंदर रखा गया है। जो हमारा रेड लिस्ट है वो वल्नरेबल है, ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक उसमें है। और थर्ड वन हमारा जो है साइट्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। साइट में की जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसको रखा गया है Appendix 1 में, ठीक है। Appendix 1 क्या कहता है, Appendix 1 कहता है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, इसका जो प्रोडक्शन वगैरह करना, आगे भेजना, इसके ऊपर भी बैन लगा हुआ है, ठीक है। इसके कोई प्रोडक्ट अगर कोई ख़रीदता है या बेचता है या इसकी पोचिंग करता है, तो उसको भी इंटरनेशनल लेवल के अंदर भी इसको बैन कर रखा है और इसको Appendix 6 में कर रखा है। अब ये वाली जो प्रजाति है हमारे स्लोथ बियर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और ये हमारे न्यूज़ के अंदर चर्चा के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, स्लोथ बियर एक वेल में गिर गया था और उसके बाद उसको मतलब वो बाहर नहीं निकल पाया और उसकी यहाँ पे डेथ हो गई। आपको ये दिख रहा है इजीली, तो ये वैसे ही डेंजरस उसमें है और उसके बाद इसकी ऐसे डेथ हो रही है। तो ये हमें मतलब बहुत सोचने की बात है कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लोथ बियर। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन बटन आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय।